ये कहानी है JRD टाटा। तो टाटा साहब दुनिया का एक आप समझ ले कामयाब नाम है। When he was young, ये कहानी उस वक्त की है। उनका एक दोस्त हुआ करता था टाटा साहब का, जो अक्सर अपना पेन खो देता है। हम पेन यूज़ करते हैं ना, वो पेन 5 रुपये का 10 रुपये का पेन होता है, वो अक्सर वो अपना पेन आए दिन खो देता था। टाटा साहब अपने दोस्त को समझाते, भाई ये पेन नहीं खोया करो, अच्छी बात नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल रहो। लेकिन उनके दोस्त को ये बात समझ नहीं आती थी। एक दिन टाटा साहब अपने दोस्त को ले गए स्टेशनरी के शॉप पे, जहाँ पे पेन बुक्स ये सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टेशनरी के शॉप पे ले गए, टाटा साहब ने बोला स्टेशनरी वाले को कि इस पूरी शॉप में जो महंगा तरीन पेन है ना, वो निकाल के आप मुझे दे दो। वो पेन 2000 रुपीज़ का था। टाटा साहब ने अपने दोस्त को बोला ये ख़रीद लो। उन्होंने ख़रीद लिया। टाटा साहब अपनी पढ़ाई अपनी दीगर चीज़ों में मसरूफ़ हो गए। कुछ अरसे बाद अपने दोस्त से दोबारा मुलाकात हुई। पूछा, हाँ ब्रो व्हाट्सअप, कैसे हो, हाउस लाइफ, सब ठीक है? तो उनके दोस्त ने बोला हाँ सब ठीक है। फिर टाटा साहब ने अपने दोस्त से पूछा, वो पेन आज भी तुम खो देते हो? तो टाटा साहब के दोस्त ने बोला नहीं, ये वही पेन है। पेन निकाला और दिखाया कि वो वही पेन है जो आपने मुझे 2000 रुपीज़ का दिला दिया था, लेकिन अब ये पेन संभाल के मैं रखता हूँ। जब हमें पता होता है कि हमारे किसी चीज़ की वर्थ है, किसी चीज़ की वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उस चीज़ को अहमियत देता है।